ओम शांति। आज 25/6/2020 महावाक्य बाबा कहते मधुर संतान माने बेहदर सुख पाइबापी तुमको एवं बेहदर ज्ञान मिलू तुम्हें माने राजयोगर शिक्षा द्वारा पुनर्बार राजत्व ने प्रश्न तुमर ईश्वरीय कुटुंब केउं कथारे संपूर्ण भिन्न अटे। उत्तर एही ईश्वरीय कुटुंबरे अर्थात परिवाररे केही गोटिए दिनर संतान केही आठ दिनर संतान किंतु समस्ते पाठ पढ़ुचंती। पिता ही शिक्षक होई निजर संतान मानकु पाठ पढ़ाउचंती। एहा ही भिन्नता अटे। एठारे आत्मा ही पाठ पढ़ुची। आत्मा ही कहुची बाबा बाबा पुणी पिला मानकु 84 जन्मर कहानी बाबा सुनाउचंती। गीत दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। आज वृक्षपति बार तार नाम रखी बृहस्पति। एही पर्व आदि वर्ष वर्ष पालन करुचंती। तुमे प्रत्येक सप्ताह रे बृहस्पति दिन अर्थात गुरुवार पालन करुछ। वृक्षपति अर्थात एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर जी बीज अटंती सीए चैतन्य अटंती। से ही वृक्षर आदि मध्य अंत को जानिचंती। आउ जेउ सबु वृक्ष अछि से सबु हेले जड़। एही एहा हेउची चैतन्य वृक्ष। एहा को कल्प वृक्ष कहा जाउची। एहार आयु 5000 वर्ष एवं एही वृक्ष चारि भागरे विभक्त। वर्तमान एहा पुरुणा दुनियार अंतिम समय। दुनिया केते बड़ एही ज्ञान कौनसी मनुष्य मानक बुद्धि रे नाही। एहा नुआ दुनिया पाई नुआ ज्ञान पुणी नुआ दुनियार राजा हेबा पाई अथवा आदि सनातन देवी देवता हेबा पाई एही शिक्षा मध्य नुआ। भाषा तो हिंदी। बाबा बुझाउचंती जेते बेले अन्य राज्य स्थापन हेब पुणी तार भाषा मध्य अलगा हेब। सत्य युगरे केउं भाषा रहिब ताहा पिला माने अल्प अल्प जानिचंती। आगरु झियो माने ध्यान रे जाई सत्य युग विषय रे कहुथिले। सेठारे कोनोसी संस्कृत भाषा रहिब नाही। संस्कृत भाषा तो कळी युग एवं द्वापर युगर जहाँ एठारे अछि ताहा सेठारे रहिब नाही। तेणु पिला माने जानिचंती ये हेले वृक्षपति। तांकु वृक्षर रचयिता पिता मध्य कुहा जाउची। सीए हेले चैतन्य बीज रूप। से माने हेले जड़। पिला माने सृष्टिर आदि मध्य अंत को मध्य जानिबा दरकार ना। वर्तमान ज्ञान नथिबारु मनुष्य सुखी होई पारु नाहांती। एहा बेहदर ज्ञान जहा द्वारा बेहदर सुखर प्राप्ति होची। हद्र ज्ञान द्वारा काको बिष्टा समान अर्थात क्षण भंगुर सुख मिलुची। तुम्हें जानिछ आमे पुनर्बार बेहद सुख पाई पुरुषार्थ करुचु। एही पुनर्बार शब्द केवल तुम्हें ही जानिछ। तुम्हें ही पुनर्बार मनुष्यरु देवता हेबा पाई एही राजयोगर शिक्षा प्राप्त करुछ। एकथा मध्य तुम्हें जानिछ ज्ञानर सागर निराकार अटंती। आत्मा माने मध्य निराकार अटंती किंतु अभिनय करिया पाई समस्तंकु एठारे निज निजर शरीर मिलिछि। वर्तमानर जन्म को अलौकिक जन्म कहा जाउछि। आउ कौनसी मनुष्य एपरी जन्म नहीं पारिबे नाही। जेपरी ये ब्रह्मा जन्म नेउचंती एवं एहांकर मध्य बानप्रस्थ अवस्था रे शिव बाबा प्रवेश करुचंती। आत्मा मानकु सम्मुखरे बसी बुझाउचंती। अन्य केही आत्मा मानकु पिला माने कही संबोधन करि पारिबे नाही। जे कोनोसी धर्मावलंबी हेले मध्य जानिचंती शिव बाबा आम समस्त आत्मा मानकर पिता। से तो निश्चय पिला माने बोली कहिबे ना। बाकी कोनोसी मनुष्य आत्मा को ईश्वर बोली कुहा जाय पारिबो नाही। बाबा मध्य कुहा जीव नाही। एमिति तो गांधी को मध्य बापूजी बोली कहुथिले।
म्युनिसिपालिटी रो मेयर को मध्य फादर बोली कहउचंती किंतु सही पिता समस्ते हेले देहधारी तुमे जानिछ आम आत्मा मानकर पिता आम को एबे पाठ पढ़ाउचंती बाबा घ बारंबार कहउचंती निज को आत्मनिश्चय कर बाबा आसी आत्मा मानकु ही पाठ पढ़ाउचंती एहा ईश्वरीय कुटुंब बाबांकर एते ढेर संतान अछंती तुमे मध्य कहुछ बाबा मु आपणकर तेबे तुमे संतान होई गलो ना कहुचंती बाबा मु तुमर गोटिए दिनर संतान आठ दिनर संतान मासकर संतान संतान प्रथमे निश्चय छोट ही हेबे किंतु पाठ पढ़ा दरकार आसुथिबा प्रत्येक पिला मानकु बाबा पाठ पढ़ाउचंती तुमे माने मध्य एठारे पाठ पढ़ुच बाबांकर संतान हेले तेणु बाबा बुझाउचंती तुमे 84 जन्म किपरि नेउछ बाबा कहउचंती मु मध्य बहुत जन्मर अंतिम समय रे एहांकर शरीर रे प्रवेश करुचि एवं तुम मानकु पाठ पढ़ाउचि पिला माने जानिचंती एठाकु आमे सर्वोच्च शिक्षकंक पाखकु आसीछु जहांक निकटरु शिक्षा नै एही शिक्षिका माने अर्थात भौणी माने सेवा निमन्ते प्रस्तुति होइचंती जहांकु पंडा मध्य कुहा जाउछि से माने मध्य समस्तंक पाठ पढ़ाउचंती जिए जिए बाबांकु जानि जिबे से माने पाठ पढ़ारे लागि जिबे बाबा ही आसी पिला मानकु बुझाउचंती पिला माने पुणी पुरुषार्थर क्रम अनुसार बुझुचंती एवं अन्य मानकु बुझाइबारे योग्य होउचंती वर्तमान राजधानीर स्थापना हेउची अबिकल कल्प पूर्व भळी तुमे एठारे पढ़ुच पुणी प्रारब्ध नुआ दुनिया रे पाइब जहाकु अमरलोक कुहा जाउची तुमे वर्तमान काल उपरे विजय प्राप्त करुच सेठारे केबे अकाल मृत्यु हेबो नाही तार नाम ही होची स्वर्ग तुमे एही पाठ पढ़ा द्वारा बहुत खुशी हेबा दरकार बाबांकर स्मृति द्वारा बाबांकर संपत्ति मध्य मने पड़िब गोटिए सेकेंड रे सारा ड्रामार ज्ञान तुम बुद्धि रे आसी जाउची ब्रह्म लोक सूक्ष्म लोक स्थूल लोक एवं 84 जन्मर चक्र बास एही संपूर्ण नाटकटी भारत उपरे ही आधारित बाकी सब हेउची बायप्लट बाबा ज्ञान मध्य तुम मानकु सुनाउचंती तुमे ही उच्चरु उच्च पुणी नीच मध्य होच डबल मुकुटधारी राजा एवं पुणी राजारु बिल्कुल रंक हेउच एबे भारत बिल्कुल रंक होई जाइछि अर्थात संपूर्ण भिकारी होई जाइछि प्रजार प्रजा उपरे राज्य चलिछि सत्य युगरे डबल मुकुटधारी महाराजा महाराणी मानकर राज्य थिला एकथा तो समस्ते मानुचंती आदि सनातन ब्रह्मांकर नाम मध्य देउचंती आदि देव ब्रह्मांकर नाम मध्य कहउचंती महावीर मध्य तांकु कहउचंती महावीर हनुमान को मध्य कहउचंती वास्तव रे तुमे पिला माने ही सच्चा सच्चा महावीर हनुमान अट कहीं तुमे एते जोगजुक्त स्थित रोच जहाद्वारा मायार जिते भी तूफान आसिले तुमको हलाई पारु नाही तुमे महावीर संतान महावीर होइच कहीं माया उपरे विजय प्राप्त करुच पांच विकार रूपी रावण उपरे प्रत्येक विजय प्राप्त करुच गोटे मनुष्यर कथा नुहे जणकर कथा नुहे तुम प्रत्येक को धनु भांगिबाकु हेबो अर्थात माया उपरे विजय पाइबाकु हेबो एथिरे लढ़ई आदि कौनसी कथा नहीं यूरोपवासी किपरि लढ़ई करुचंती भारत रे कौरव एवं पांडव मानकर लढ़ई हेबो गायन मध्य रहिछि रक्तर नदी बोहिबो एहा परे पुणी दूधर नदी बोहिबो विष्णु को क्षीरसागरे शयन करिछंती बोली देखा जाइछि लक्ष्मी नारायण हेले पारसनाथ नेपाळ रे तांकर पुणी पशुपति नाम रखि देइछंती
से ही विष्णुंकर दुईटी रूप पारसनाथ एवं पारसनाथिनी से होउचंती पशुपतिनाथ पशुपतिनाथिनी सेठारे सेथिरे विष्णुंकर चित्र तयारी करि देइचंती ह्रद मध्य तयारी करि देइचंती तेबे ह्रदरे क्षीर केउठारु आसिबो पूजा पार्वण्य दिन रे सेही ह्रदरे क्षीर ढाडी थांती पुणी देखाई थांती क्षीर सागर रे विष्णु शयन करिचंती अर्थ किछि हेले नाही चारि भुजाधारी मनुष्य तो केही नाहांती एबे तुमे पिला माने सोशियल वर्कर अर्थात समाजसेवी अट रूहानी बाबांकर संतान अट बाबा सबु कथा बुझाउचंती एथिरे कोनोसी संशय आसीबा उचित नुहे संशय अर्थ मायार तूफान तुमे मते डाकिछ हे पतित पावन आस आसी आमको पवित्र कर बाबा कहुचंती केवल मते मने पकाइले तुमे पवित्र होइजीव चौरासी जन्मर चक्र को मध्य मने पकाइबा को हेबो बाबांकु कहा जाउची पतित पावन ज्ञानर सागर कथा तो दुईटी पतितंकु पवित्र करुचंती एवं चौरासी जन्मर कहानी सुनाउचंती एकथा मध्य तुमे जानिछ चौरासी जन्मर चक्र घूरी चलिबो एहार केबे अंत नाही अच्छा ओम शांति धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर एक कौनसी कथारे संशय बुद्धि हेबार नाही मायार तूफान को महावीर हो अतिक्रम करने को हेबो एपरी जोगजुक्त हो रुह जहाँकि मायार तूफान तुमको हलचल करी। नंबर दुई बुद्धिमान हो निजर जीवन को ईश्वरीय सेवारे लगाइबा को हेबो सच्चा सच्चा आत्मिक समाज सेवी हेबाकु पड़िबो आत्मिक पाठ पढ़िबा को हेबो एवं अन्य मानको मध्य पढ़ाइबा को हेबो वरदान संकल्प रूपी बीज को कल्याण युक्त शुभ भावनारे भरपूर करि रखुथिबा विश्व कल्याणकारी हुओ जेपरी सारा वृक्षर सार बीजरे ही रहिथाय सेही भली संकल्प रूपी बीज मध्य प्रत्येक आत्मांक प्रति प्रकृति प्रति शुभ भावना युक्त हो समस्तंकु बाबांक समान करिवार भावना निर्बल को बलवान करिवार भावना दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी एवं शांत करिवार भावनार रस बा सार प्रत्येक संकल्प रे भरी रही था कोनोसी भी संकल्प रूपी बीज एही सार जिनिस ठारु खाली अर्थात व्यर्थ ने हो कल्याणर भावनारे समर्थ हेउ तेबे कुहाजिबो बाबांक समान विश्व कल्याणकारी आत्मा स्लोगान मायार झामेला भितरे विचलित हेबा परिवर्ते परमात्म मिलनर मौजर अनुभूति करुथाओ ओम शांति।